आज फ्राइडे है। फ्राइडे की शाम को मेरे घर में बनने जा रहा है बर्गर। ये सुबह ही मैंने आलू बॉयल कर लिया था और तेल में अदरक, मिर्चा, जीरा, जीरा पाउडर, अमचूर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, इतना चीज़ डाल के मैंने ये आलू थोड़ा सा भून लिया था। भून के मैं सुबह ही रख देती हूँ, मेरे किचन में बहुत गर्मी लगती है। और इसी आलू में मैं ये प्याज और गाजर और शिमला मिर्च मिलाऊंगी अभी, क्योंकि पत्ता गोभी नहीं है, नहीं तो पत्ता गोभी मिलाते और पत्ता गोभी इसमें अच्छा भी नहीं आ रहा है। ये कॉर्नफ्लोर का घोल है, ये टिक्की बना बना के इसी में फिर मैं डालूंगी। और ये है ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा निकाला है और इस जार में है। और ये पाव है, पाव को मैंने काट के भी रख लिया, सारा इंतजाम हो गया है। ये है टमाटर और प्याज, आपकी मर्जी, आप खीरा भी डाल सकते हैं और चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत थी इसलिए मैं चीज़ स्लाइस नहीं ली। जितना आलू है वे अंदाज से, जितना वेजिटेबल डालूँ तो वेजिटेबल से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर, मिक्स कर लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि कितना ज़रूरत है और आलू ले लूँगी फिर मैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज कच्चा ही पड़ता है, तभी क्रंची वाला बढ़िया टेस्ट आता है। ये पकाते नहीं है, इसमें पत्ता गोभी भी रहता तब भी मैं नहीं पकाती। अब इसका टिक्की बना बना के हम तैयार कर लेंगे। जम गया है नीचे कॉर्नफ्लोर, ये बन मैंने सेक लिया था, उसके ऊपर एक एक टिक्की रख देंगे। आप खीरा भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं, और जो लेटेस का पत्ता होता है वो भी, लेकिन हम लोग के यहाँ तो इधर मिलता नहीं है तो हम लोग इसलिए नहीं डालते हैं। और ये घर पे जो टिक्की बनी है, ये टिक्की बहुत टेस्टी लगती है घर पे बना हुआ। मार्केट में तो खैर बहुत पैसा लगता है, लेकिन घर में तो आप कितना आप बना के आप खा सकते हैं। ये चेरी का है प्लेट। चलो ले, ये हम सब कुछ सो गया है, हमारे चेरी पर चेरी नींद नहीं आ रही। आप जब भी कैसा बना सकते हैं, अच्छा बनाता है, वेजिटेबल डाल के बढ़िया बनता है। अमर चेरी यहाँ पर लेते हुए हैं और इधर सब्जी यहाँ दोनों जन सो गए हैं, यहाँ हम और चेरी। टाइम के हम जा तो देखें तो इस तीसरे 10:07 और ये ना गंदू के बीच में कबूतर बैठा है। इसको पानी दिए हैं, पता नहीं घायल है कि क्या है। ये पानी दिए हैं, पता नहीं पिया है कि नहीं पिया है।
ये छुप के बैठा हुआ है। अभी पानी थोड़ी देर बाद इसको कुछ खाने के लिए भी देंगे। सभी को मेरा राखी राखी। आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, हम लोग भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गर्मी अब बढ़ने लगी, गर्मी गर्मी अब बढ़ गई। इस समय 10:30 हो रहा होगा हमें घर में। कल बर्गर बना वही आज सभी लोग ब्रेकफास्ट हुआ था। और ये मैं अपना चाय लेके बैठी हूँ और चेरी का ऑरेंज। तो हमारा नाश्ता हो चुका है, ऑरेंज अभी खाएगी ये 1 घंटे बाद। और ये चेरी के लिए गिफ्ट आया है। इसका ब्लाउज है जो अनस्टिच है, अभी स्टिच नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। अनस्टिच है ये, सभी को भी नहीं देखा कि मैं करूँ। ये अच्छी बात है कि अनस्टिच है, ये बहुत बढ़िया है, कलर भी बहुत अच्छा है। और ये उसका दुपट्टा है, ये बॉर्डर है दुपट्टे में, ये बढ़िया है। खुश हो बस बस इतना हो गया ना। छुट्टी है अभी, बुक्स भी नहीं आया है तो क्या करेंगी, बोर हो रही है। मोबाइल तो हम देंगे नहीं, थोड़ा बहुत शूट करते हैं हम और हमारे हस्बैंड देखते हैं, तो लैपटॉप में लगी रहती है। तो ये आ गया था कई दिन पहले ही, लेकिन याद ही नहीं था कि दिखाना है। तो इसलिए इसका लहंगे का कलर बहुत सुंदर है, कपड़ा भी अच्छा है, हल्का, जैसे वेट नहीं है कि बच्चे घबराए, वेटेड नहीं। ये उड़ नहीं पा रही है, इसको हम किसी भी तरीके से पकड़ लिए हैं, पानी पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, ये खाई नहीं रही है। अब इसको जा रहे हैं टीन पर छोड़ने, वहां दाना पानी सब रखा है। टीन पर छोड़ दो, टीन पर छोड़ दो। जा बाबू, जा। मत क्लोज कर लो, चल रही है लेकिन उड़ नहीं पा रही है लगता है ना लाडो। उड़ ही नहीं पा रही है ये। हाँ देखो देखो, हाँ बस इतना देर, खाली बस थोड़ी सी ऊंचाई में बस उड़ी तो कुछ पर टूट गया होगा, सही पैर नहीं टूटा है। कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर बगुले के रूप में आता है, और जहाँ श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे वहाँ आकर के कृष्ण की पहचान करके, और जैसे चोंच में बगुला मछली को पकड़ता है एकदम, ऐसे ही श्री कृष्ण को पकड़ कर ऐसे ही उन गैयाओं ने उन बछड़ों को देखा जो श्री कृष्ण ही बने थे, वैसे ही दौड़ पड़ी वो सारी गायें, और ऐसे दौड़ी कि भोले गिरिराज जी की जय जयकार करो, भोले गिरिराज महाराज की, और गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी का अभिषेक करो। सो गंगा जी प्रकट हुई, आप जाते हैं परिक्रमा करने तो गंगा जी का दर्शन होता है। क्या नाम है? मानसी गंगा। तो भगवान ने अपने मन से प्रकट की, गंगा
हे राजा, हे परीक्षित की जो वेणु भागवत कथा में हम लोग 3 घंटा में अपनी फ्रेंड के साथ थी, उसके बाद फिर प्रसाद लेके फिर हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर जाना है, लास्ट डे रहेगा।